अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम पढ़ रहे हैं रॉ इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। इस लेक्चर में आपके मेन दो कंटेंट हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज रॉ इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, कैसी मैट्रिक्स की फॉर्म होती है जिसे हम रॉ इक्लॉन फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, डायगनल में आपके पास वन और हर लीडिंग वन के नीचे एंट्रीज जीरो होंगी। लीडिंग वन जीरो, बिलो एंट्रीज आर जीरो लीडिंग वन। इसी तरह जो अबव एंट्रीज हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, अदर देन जीरो भी हो सकती हैं, जीरो भी हो सकता है, इस पे कोई कंडीशन नहीं है। जो भी एंट्रीज आ रही हैं आप उसे रहने दें, लेकिन जो लोअर एंट्रीज है दीज मस्ट बी जीरो। अगर आपके पास ये कॉलम ने लीडिंग वन है तो इसके नीचे जीरो, यहाँ लीडिंग वन है तो नीचे जीरो। तो ये फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, इस तरह की जो भी फॉर्म होगी उससे हम कहते हैं रॉ इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। सेकेंड कॉन्टेंट इज हाउ टू कन्वर्ट अ मैट्रिक्स इन टू रॉ इक्लॉन फॉर्म। अब कैसे एक मैट्रिक्स को आप इसके रॉ इक्लॉन फॉर्म में चेंज कर दोगे? ये मैट्रिक्स ही रहेगा। अगर मैं ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इससे सॉल्व करने वाली थी तो ये उसी का ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। इक्विवेलेंट फॉर्म होती है, हम इस पर ऐसे रॉ ऑपरेशन यूज करते हैं जिससे इसकी वैल्यूज, जो मेन आपकी इक्वेशन की जो इन्फॉर्मेशन थी वो चेंज नहीं होती, बस उसका एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिल जाता है जिसकी फॉर्म कुछ इस टाइप की होती है कि डायगनल एंट्रीज आपके पास वन होंगी और वन के नीचे जीरो। अब ये हमने खुद चेंज किया है, यहाँ वन मिल गया था, टू और थ्री को जीरो में हमने खुद चेंज किया है, और ऐसे चेंज किया है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस कि आपकी ये जो वैल्यूज हैं ये इसी इसी अगर ये एक इक्वेशन है तो इसी के इक्विवेलेंट इक्वेशन बनेगी, ठीक है। और मगर ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इक्लॉन फॉर्म हमें बहुत हेल्प करता है फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में, डिटर्मिनेंट्स में भी ये यूज होते हैं, तो इसलिए ये एक बहुत यूजफुल फॉर्म है। तो आए देखते हैं कैसे हम चेंज करते हैं एक मैट्रिक्स को रॉ इक्लॉन फॉर्म में और किस तरीके से आप डिफरेंट मैट्रिक्स की रॉ इक्लॉन फॉर्म जनरेट करते हैं। ओके, तो लेक्चर को एंड तक देखें तो इसी मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करेंगे लास्ट में इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स में। जीरो जनरेट करते हैं और ऊपर कोई भी अदर नंबर हो सकते हैं, स्टैटिक कोई अदर नंबर शो कर रहे हैं, दिस इज द डायगनल वन और ये वन के नीचे जीरो है। तो कुछ कंडीशंस है जिसे हम चेक करते हैं रॉ इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स में, और अगर ये नहीं होती कंडीशंस तो हम इसे अपने एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस के थ्रू जनरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या है। इफ अ रॉ डज नॉट कंसिस्ट एंटायरली ऑफ जीरो, एंटायरली जीरो रॉ कहते हैं जैसे आपके पास ये रॉ है, एंटायरली जीरो रॉ, कोई भी नॉन जीरो एंट्री नहीं है इस रॉ में, तो दिस टाइप ऑफ रॉस कॉल्ड एंटायरली जीरो रॉस। सो इफ a raw does not consist entirely of zero, agar completely zero nahi hai, then the first non zero number in a raw is a one. to jo first non zero number hoga aapki raw ka wo hoga one. isi tarah yahan pe jo non zero number hai, ye three non zero numbers hai to isme ye one hoga, sab zero ke baad jo second element hai one. isme ye do zero humne khud generate ki hote hain kyunki diagonal ke niche one entries hai, तो आपके पास थर्ड रॉ का थर्ड एलिमेंट वन होना चाहिए, फोर्थ रॉ का फोर्थ एलिमेंट वन होना चाहिए। अगर सेकेंड कंडीशन इज इफ दे आर एनी रॉज दैट कंसिस्ट एंटायरली ऑफ जीरो, देन दे ग्रुप टुगेदर एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। आप इक्लॉन फॉर्म में चेंज कर रहे हैं और आपने देखा कि आपकी पूरी रॉ कम्प्लीटली जीरो हो गई, अब यहाँ कोई भी लीडिंग वन जनरेट नहीं हो सकता, तो इन दैट केस हम ऐसी रॉज को अपने मैट्रिक्स के बॉटम रॉज में शिफ्ट कर देते हैं लाइक दिस। ये टू रॉज जीरो रॉज है तो हमने इन्हें बॉटम टू रॉज में शिफ्ट किया हुआ है। आपके पास ये रॉज ऊपर वाली रॉज में नहीं होंगी, नीचे चली जाएंगी। This is the second case. कि अगर entirely zero raw है तो फिर वो below of the matrix आपको मिलेगी। Third condition is in any two successive rows that do not consist entirely of zero. For example, like this, ये entirely zero rows नहीं है, successive rows means ये ऊपर नीचे जो दो rows होती हैं। The leading one in the row occur farther than the right than the leading one in the higher row. आपके पास जो lower row में जो one आएगा वो कहाँ पे उसके प्लेस क्या होगी, राइट पोजीशन ऑफ द हायर लीडिंग वन, हायर लीडिंग वन इन द हायर रॉ, जो हायर रॉ का लीडिंग वन है उसकी राइट प्लेस पे होगा। इसी तरह हायर वन रॉ के नीचे जो भी होगा वो इसकी राइट प्लेस पे होगा, राइट प्लेस पे। तो इस तरह हमारे पास एक डायगनल बन जाता है वन का और हमें यही बनाना होता है। थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन इज अ मैट्रिक्स इन रॉ इक्लॉन फॉर्म हैज जीरोस बिलो ईच लीडिंग वन, हर लीडिंग वन के नीचे उसके पास जीरो होते हैं, हर लीडिंग वन के बाद जीरो होंगे कॉलम में, हर लीडिंग वन के बाद जीरो होंगे। आप देखें इस तरह डायग्राम में आपके पास वन और नीचे जीरो, यहाँ पे वन इसके नीचे जीरो, यहाँ वन नीचे जीरो, वन नीचे जीरो। यहाँ पे वन जनरेट करना था लेकिन वो नहीं हुआ, इंटायरली जीरो रॉज है तो इट्स ओके। देन यहाँ पे वन इसके नीचे सब जीरो है, यहाँ पे वन है इसके नीचे
जीरो है, लेकिन यहाँ क्योंकि थर्ड रॉ में वन जनरेट नहीं हो सका, कम्प्लीटली जीरो रॉ है, तो इन दैट केस हम वन जनरेट नहीं कर पाते, ये रॉ जीरो रॉ जीरो ही रहती है। ओके, इन दैट केस ये देखें, ये फर्स्ट कॉलम में इस एंट्री को हमें वन करना था, लेकिन क्योंकि ये पूरा कॉलम ही जीरो है, तो इन दैट केस अगर आपके पास पूरा कॉलम जीरो हो जाता है, हम वन जनरेट नहीं कर पाते, तो हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री होगी आपकी वो वन होगी। सो दिस इज द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री वन, और इसके नीचे कम्प्लीटली जीरो हो गया। फिर इस वन के लोअर रॉ के राइट साइड पे आपके पास होना चाहिए था वन यहाँ पे, लेकिन क्योंकि ये जीरो है और इसके नीचे भी सब जीरो है, तो हम यहाँ पे अब कोई और वन जनरेट नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। हम रॉ ऑपरेशंस में भी देखेंगे कि ऐसा क्या करें ऐसा कि यहाँ वन जनरेट हो जाए, कुछ नहीं कर सकते, तो फिर हम नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर जाते हैं और इससे वन जनरेट, इससे वन बनाने की कोशिश करते हैं, या वन मिल जाए तो इट्स ओके। फिर वन के बाद आप नीचे जीरो जनरेट करते हो, और फिर इसकी राइट प्लेस लेफ्ट प्लेस पे हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको वन बनाना है। फिर यहाँ पे हमने वन जनरेट किया और इसके नीचे जीरो एंड वन, इसके नीचे जीरो, इसी तरह आपके पास डायगनल बिल्कुल परफेक्ट डायगनल तो नहीं बना, लेकिन जहां जहां हमें देखिए फर्स्ट इस रॉक की जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री वो वन है, इस डायगनल की जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है वो भी वन है, इस रॉक की जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है वो भी वन है, और इसकी भी जो नॉन जीरो एंट्री है वो भी वन है, और इसमें भी जो नॉन जीरो एंट्री वो वन है, इसके आगे सब जीरो है। तो या तो आपके पास लीडिंग वन से आगे सब जीरो होते हैं, और लीडिंग वन के बाद जो भी है आपके पास नॉन जीरो नंबर्स होते हैं। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ रॉ इक्लॉन फॉर्म। ओके क्लास, अब हम चेंज करेंगे इस मैट्रिक्स को रॉ इक्लॉन फॉर्म में। तो रॉ इक्लॉन फॉर्म में सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए वो जी वन होना चाहिए, जिसे हम कहेंगे लीडिंग वन। तो वो तो हमारे पास लीडिंग वन हमें मिल गया। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इस लीडिंग वन के नीचे इसमें सब जीरो जनरेट करें। अब ये काम कैसे करना है, इसके लिए हमारे पास वही तीन रॉ ऑपरेशंस हैं। सबसे पहले है रॉ इंटरचेंज। आप किसी भी दो रॉस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, और हम लिखते हैं ऐसे है R1 2, इट मींस वी आर इंटरचेंजिंग रॉ 1 विद रॉ 2, 1 3 मींस वी आर इंटरचेंजिंग रॉ 1 विद 3, 2 3 मींस वी आर इंटरचेंजिंग रॉ 2 विद रॉ 3। तो ये रॉ इंटरचेंज। देन है मल्टीप्लाई एनी मल्टीप्लाई एनी नॉन जीरो स्केलर स्केलर नंबर मल्टीप्लाई एनी नॉन जीरो स्केलर नंबर इन एनी रॉ। आप किसी भी रॉ में एक नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड वी कैन एड टू रॉज और मल्टीपल ऑफ one row to an other row। okay, अगर आप इंटरच रॉ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं किसी स्केलर नंबर से, तो हम ऐसे लिखते हैं इसे, फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाय रॉ 1 या 3 मल्टीप्लाई बाय रॉ 4, कुछ भी जिस रॉ में आप कोई भी स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ये इस तरीके से आप इंडिकेट करेंगे। और किसी एक रॉ का मल्टीपल जब आप किसी सेकंड रॉ में ऐड करेंगे, तो उसे हम ऐसे लिखेंगे। हम रॉ 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा के ऐड कराना चाह रहे हैं रॉ 1 में, जो चेंजेस आएंगी वो आएंगी रॉ 1 में, रॉ 2 एज इट इज रहेगी, बस इसका मल्टीपल ऑफ 3 ऐड हो जाएगा जाके रॉ 1 में, तो चेंजेस आएंगी रॉ 1 में। तो ये 3 रॉ ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म करेंगे और अपने मैट्रिक्स को चेंज करेंगे इक्लॉन फॉर्म में। सो लेट्स स्टार्ट, आप ये नोट डाउन कर लें ऑपरेशंस, और फिर हम इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। सॉल्यूशन, हम यहाँ पे सबसे पहले लीडिंग वन मिल गया, इसके नीचे हम जीरो जनरेट करना चाह रहे हैं, तो टू को जीरो कैसे कर सकते हैं, अगर टू से टू माइनस कर दिया जाए तो ये जीरो हो जाएगा। अब माइनस कैसे करें, हमें यहाँ कहीं और तो टू नहीं मिल रहा, हाँ लेकिन रॉ वन में हमें वन नजर आ रहा है। अगर मैं इस रॉ वन को टू से मल्टीप्लाई करके, हमारे पास जो थर्ड रॉ ऑपरेशन था वो ये था कि आप किसी भी एक रॉ का मल्टीपल किसी दूसरी रॉ में ऐड कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं इस वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करवाऊँ और ऐड करवा दूँ इस टू में, तो टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, और मुझे वन के नीचे जीरो जनरेट करना है। सो बट वी कैन थिंक
ऐड करवा देंगे रॉ वन, किससे मल्टीप्लाई करवा के माइनस टू से, बिकॉज हमें यहाँ टू मिल गया, आपके पास वन रॉ वन से आएगा, टू से मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो रॉ वन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, एज इट इज रहेगी, बस इसका मल्टीपल माइनस हो जाएगा रॉ टू से। रॉ टू में पहले यहाँ टू लिखा हुआ है, यहाँ फोर लिखा हुआ था, यहाँ माइनस थ्री था और यहाँ वन। चेंजेस कैसे आएंगे इसमें, रॉ आप टू मल्टीप्लाई करा के यहाँ सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो टू माइनस टू, आप इस वन में टू मल्टीप्लाई करवा के यहाँ माइनस कराएंगे तो फोर माइनस टू, आप इस टू में माइनस टू मल्टीप्लाई करवा के यहाँ ऐड करवाएंगे तो इट बिकम्स माइनस फोर, और इसी तरह नाइन टू जा 18 और वन माइनस 18। जो भी चेंजेस आएंगे वो आएंगे रॉ टू में, रॉ थ्री भी एज इट इज आ जाएगी, थ्री सिक्स माइनस फाइव एंड जीरो। और अब देखते हैं कि रॉ में क्या चेंजेस आए हैं, इट बिकम्स वन वन टू नाइन, टू माइनस टू जीरो, फोर माइनस टू इज टू, माइनस थ्री माइनस फोर इज माइनस सेवन, वन माइनस एटीन इज माइनस सेवनटीन, और रॉ थ्री एज इट इज। ओके, टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इन अ रॉ इक्लॉन फॉर्म, हमें इस पूरी कंप्लीटली वन के नीचे कंप्लीटली जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको जीरो करना है, तो टू जीरो हो गया, नेक्स्ट टर्म इज फॉर थ्री। इस थ्री को जीरो करने के लिए अगर हमें थ्री में से अगर आप थ्री माइनस करेंगे तो दिस थ्री बिकम जीरो। अब इधर से थ्री कैसे माइनस करें, सेम ट्रिक, जब हमें रॉ वन में वन नजर आ रहा है तो हम इस वन को अब माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करवाएंगे और ऐड करवाएंगे रॉ थ्री में, तो इस तरह ये भी जीरो हो जाएगा, और जो यहाँ पे चेंजेस आएंगे वो हम एज इट इज देख लेंगे कैलकुलेशन से क्या चेंजेस आ रही है और एज इट इज लिख देंगे, तो ये थ्री जीरो हो जाएगा, आपका लीडिंग वन और वन के नीचे जीरो जनरेट हो जाएंगे। सो लेट स्टार्ट वर्किंग, अब नेक्स्ट रॉ ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं और वो है रॉ थ्री में ऐड करेंगे रॉ वन, किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, रॉ वन को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करा के जब ये यहाँ ऐड करवाओगे तो जीरो होगा, तो हम रॉ को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस थ्री से और ऐड करवा देंगे इसे रॉ थ्री में, दी चेंजेस आर वन वन टू नाइन। लास्ट जो यहाँ पे जैसे जहाँ हमने काम स्टॉप किया था वहां से ही काम स्टार्ट करेंगे, सेकेंड रॉ थी जीरो टू माइनस सेवन एंड माइनस सेवनटीन, और थर्ड रॉ है हमारे पास थ्री सिक्स माइनस फाइव एंड जीरो, और जो ये रॉ ऑपरेशन हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसे मैं यहाँ शो करवाती हूँ। अब रॉ वन को मल्टीप्लाई करवाओगे माइनस थ्री से और ऐड करवा दोगे इस थ्री में तो इट बिकम थ्री माइनस थ्री, सिक्स माइनस थ्री, टू मल्टीप्लाई होगा थ्री से, टू थ्री जा सिक्स माइनस सिक्स, नाइन टू जा नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन एंड इट बिकम माइनस ट्वेंटी सेवन। तो अब जो चेंजेस आए हैं उन्हें यहाँ लिख लेते हैं, इट बिकम वन वन टू नाइन जीरो टू माइनस सेवन माइनस सेवनटीन, थ्री माइनस थ्री जीरो, सिक्स माइनस थ्री थ्री, माइनस फाइव माइनस सिक्स इज माइनस इलेवन, जीरो माइनस ट्वेंटी सेवन इज माइनस ट्वेंटी सेवन। जी तो आपने फर्स्ट कॉलम कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है, वन भी आ गया है, वन के नीचे जीरो भी आ गए हैं। अब नेक्स्ट सर्च इज फॉर सेकेंड रॉस लीडिंग वन, सेकेंड रॉ का लीडिंग वन होगा ये सेकेंड सेकेंड रॉ का सेकेंड एलिमेंट, तो दिस बिकम्स लीडिंग वन। अब देखते हैं कि इसको हमने कैसे करना है लीडिंग वन में चेंज, तो हम इसे दोबारा लिखते हैं, अब यहाँ से ही काम स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, क्योंकि बोर्ड पे जगह खत्म हो गई थी तो हमने इसको आगे काम इधर ही स्टार्ट करते हैं। नाउ वी हैव लीडिंग वन जीरो जीरो, वन टू थ्री, टू माइनस सेवन माइनस इलेवन, नाइन माइनस सेवनटीन एंड माइनस ट्वेंटी सेवन, ये फॉर्म आ गई है। अब हमें देखना है हम इस टू को कैसे करें वन में चेंज। अब इसके हमें यहाँ पे दो तीन तरीके नजर आ रहे हैं, एक तरीका तो ये है कि हम इससे थ्री को यहाँ पे माइनस इस रॉ को
माइनस वन से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ ऐड करवा दूँ तो टू माइनस थ्री वो माइनस वन में चेंज हो जाएगा और माइनस वन को फिर माइनस वन से मल्टीप्लाई करा के वन कर देंगे। तो इस तरह बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, एक पॉसिबिलिटीज आपको ये नज़र भी आ रही होगी कि आप रॉ वन को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवा दें, लेकिन ये काम हमने नहीं करना। जहाँ हमें लीडिंग वन मिल जाता है हम इस लीडिंग वन से नीचे कोई रॉ ऑपरेशन नहीं करते, नहीं तो जो जीरो जनरेट किए हैं ये दोबारा किसी नंबर में चेंज हो जाएंगे। तो जब लीडिंग वन मिल गया आपने इसके नीचे रॉज में कोई रॉ ऑपरेशन नहीं करना, इसलिए हम इस वन को यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इस रॉ को यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं करते, नहीं तो जीरो माइनस वन ये जीरो भी माइनस वन में चेंज हो जाएगा। तो जो हमने जीरो जनरेट कर दिए हैं वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम इस अबव रॉ से कोई रॉ ऑपरेशन यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ओके, तो अब सबसे आसान तरीका जो हम हमेशा वर्क करता है वो ये है कि जिस नंबर को आपने वन करना है उस नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दें। फॉर एग्जाम्पल, हम रॉ टू को टू से इजिएस्ट वे टू कन्वर्ट एनी नंबर इन वन। तो जो चेंजेस आएंगे वो हम एज इट इज राइट कर देंगे, जीरो टू अपॉन टू माइनस सेवन अपॉन टू माइनस सेवनटीन अपॉन टू, और थर्ड रो एज इट इज जीरो थ्री माइनस इलेवन माइनस ट्वेंटी सेवन। तो दिस टू वन जार टू और ये नंबर हमारे पास चेंज हो जाएगा अब वन। तो हमें सेकेंड रॉ का लीडिंग वन मिल गया, दिस इज द लीडिंग वन ऑफ सेकेंड रॉ। क्योंकि हम रॉ इक्लॉन फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो हर वन के नीचे, लीडिंग वन के नीचे आपने जीरो जनरेट करना। अब हम चाहते हैं हम इस थ्री को भी जीरो में चेंज कर दें, इसके लिए वही रॉ ऑपरेशन जो इससे पहले हमने परफॉर्म किए, बोर्ड की जगह बनाते हैं दोबारा और यहाँ ये रॉ ऑपरेशन हम इम्प्लीमेंट करते हैं। आप साथ साथ नोट डाउन करते रहें काम, तो ये परेशानी नहीं होगी, बोर्ड की जगह कम है इसलिए हमें ये रब करना है। ओके, तो अब नेक्स्ट रॉ ऑपरेशन क्या होगा कि हम इस थ्री में से माइनस करवाना चाहते हैं थ्री, तो इस फर्स्ट रॉ से आपने यूज नहीं करनी। फर्स्ट रॉ में अगर आपने यूज किया तो इस वन के नीचे क्योंकि ये जीरो है तो ये चेंज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ जीरो जनरेट करने के लिए हमेशा रॉ टू से काम लेंगे कि रॉ यहाँ पे चेंजेस हैं। इस कॉलम में भी जीरो है, इस रॉ में भी जीरो है, तो आपके पास ये जीरो डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो हमेशा जो लीडिंग वन हम लोग जनरेट करते हैं, जो लीडिंग वन जनरेट करते हैं उसी से कोशिश करते हैं नीचे जीरो बनाए। यहाँ लीडिंग वन यहाँ जनरेट किया था, इससे जीरो बनाए थे, अब ये वन यूज नहीं करेंगे क्योंकि अगर ये वन यूज किया तो इस वन की वजह से ये जीरो चेंज हो जाएंगे। तो हम चूज करेंगे दिस लीडिंग वन टू कन्वर्ट थ्री इंटू जीरो, और रॉ ऑपरेशन वही है जो अभी हमने सीखे कि हम मल्टीप्लाई करेंगे रॉ टू को विथ माइनस थ्री और ऐड करवा देंगे रॉ थ्री में। चेंजेस आएंगे रॉ थ्री में, क्या चेंजेस हैं, वन वन टू नाइन जीरो वन माइनस सेवन बाई टू माइनस सेवनटीन बाई टू, ये टू दोनों रॉज एज इट इज आ गए। थर्ड रॉ में कुछ चेंजेस आएंगे, इट इज जीरो थ्री माइनस इलेवन एंड माइनस ट्वेंटी सेवन। जो चेंजेस आएंगे वो हम चेंजेस आएंगे वो कुछ इस तरह से होंगे कि जीरो जब इधर जीरो से माइनस होगा डजंट मेक एनी डिफरेंस, वन मल्टीप्लाई होगा माइनस थ्री से और जब यहाँ ऐड होगा थ्री माइनस थ्री, माइनस सेवन मल्टीप्लाई होगा माइनस थ्री से तो सेवन थ्री से ट्वेंटी वन, माइनस माइनस प्लस इट बिकम ट्वेंटी वन अपॉन टू एंड वन अपॉन टू। तो ये कुछ चेंजेस आए हैं, हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, वन वन टू नाइन जीरो वन माइनस सेवन बाय टू माइनस सेवनटीन बाय टू, जीरो थ्री माइनस थ्री जीरो ट्वेंटी टू। अब इसको सिंप्लीफाई करें, इलेवन मल्टीप्लाई बाय टू इट्स ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी वन तो इट बिकम्स माइनस वन बाय टू एंड ट्वेंटी सेवन माइनस फिफ्टी वन अपॉन टू इट बिकम्स माइनस थ्री अपॉन टू। ये चेंजेस है, ठीक है। अब आपने फर्स्ट वन जनरेट हो गया इसके नीचे जीरो, सेकेंड वन जनरेट हो गया इसके नीचे जीरो, अब अपॉन टू को वन में चेंज करें, ठीक। तो वन के नीचे जीरो, इस वन के नीचे जीरो, अब ये थर्ड रॉ का जो एलिमेंट है ये वन है, हम कोशिश करेंगे इसे जीरो में जनरेट करें। तो पहले हम अपना बोर्ड रख करते हैं, स्टार्ट हियर, वन वन टू नाइन जीरो वन माइनस सेवन बाय टू माइनस सेवनटीन बाय टू, जीरो जीरो
माइनस वन अपॉन टू माइनस थ्री अपॉन टू, हमने एज इट इज मैट्रिक्स यहाँ राइट कर लिया। दिस टर्म अब आप चाहते हैं कि हम इसे वन में जनरेट कर दें, तो माइनस वन अपॉन टू को अगर वन में चेंज करना है तो वाई नॉट वी मल्टीप्लाई इट विद इट्स रेसिप्रोकल टू अपॉन वन, तो वी कैंसिल इट्स कैंसिल इट बिकम इक्वल टू वन। तो इट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए रॉ थ्री को बाय माइनस टू, अपॉन वन लिखने की जरूरत नहीं है, तो इट्स माइनस टू। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम वन वन टू नाइन जीरो वन माइनस सेवन बाय टू माइनस सेवनटीन बाय टू जीरो जीरो वन माइनस थ्री। हम आ रॉ इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, आपके पास डायगनल में सब वन एंट्रीज हैं, डायगनल में पास वन है और वन के नीचे तमाम एंट्रीज जीरो हैं। दिस इज द रॉ इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।